हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पर रिवर्स होता है। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इनपुट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होगी और जो आउटपुट होगा वो हमें केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। लाइक इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड। जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है हम उसको एनोड बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना होगा कि जहां पर एट विच ऑक्सीडेशन ऑकर्स, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रोड आपका एनोड होगा। और हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स, जहां भी रिडक्शन होगा वो आपका कैथोड होगा। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया। ओके, इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्यूशन फिल किया। ये जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है इसमें, इस सॉल्यूशन का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड? इलेक्ट्रो वैलेंट। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आयोनिक बॉन्ड्स। तो ऐसे सॉल्यूशन जो आयोनिक बॉन्ड बनाए वो सॉल्यूशन जो है हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहे जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल NaCl। इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए Na प्लस एंड Cl माइनस लिख सकता हूँ। Na यहाँ पर कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैटायन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिंबल C ले रहा हूँ, और एनायन Cl माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर A ले रहा हूँ। तो सपोज कि मैंने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल किया है वो Ca है। C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन। ओके, नाउ हम इसमें इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं। ओके, मैंने यहां जो इलेक्ट्रोड लिए हैं दोनों के दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं। हम सब जानते हैं जो प्लेटिनम है वो वेरी लेस रिएक्टिव मेटल होती है, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट कहे जाएंगे। मीन्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम इसको बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। ओके, सपोज कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और एक स्विच के थ्रू हमने इनको अटैच कर दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अभी बताया मैंने, वैसे एनोड कौन होता है? जैसे वो हमेशा पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा वो एनोड होगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा। ओके, यहां तक सिंपल क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं रिएक्शन, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे रिएक्शंस कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन कैसे होगी। एनोड कौन से टर्मिनल से अटैच है? पॉजिटिव। मीन्स यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और ये खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायन और एनायन, ध्यान देना कैटायन यहां पर पॉजिटिव साइन है, एनायन पे यहां नेगेटिव साइन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से एनोड पर कौन अट्रैक्ट होगा? क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव है तो उस पर अट्रैक्ट होगा नेगेटिव।
ओके, तो एनोड पर जो यहां पर अट्रैक्ट होने वाला है वो होगा एनायन, ओके, ए माइनस, और ये आकर के एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ए में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोड हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए हम इस टर्मिनल को क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड। नेक्स्ट हम बात करें एट कैथोड, कैथोड, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर अट्रैक्ट कौन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स यहां पर कैटायन अट्रैक्ट होगा, ओके, यहां पर सी प्लस अट्रैक्ट होगा, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा और ये बन जाएगा सी, यहां पर हुआ है रिडक्शन, ओके। तो ये सिंपल रिएक्शन थी कैथोड एंड एनोड की। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो दोनों को साथ लिखें तो ये था हमारे पास सी प्लस एंड ए माइनस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जब हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल होते हैं, ध्यान देना ये दोनों हाफ रिएक्शंस थी, ये थी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये थी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन जब भी लिखी जाएगी वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और अब हम लिख रहे हैं ओवरऑल, ओवरऑल में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते, और ये फाइनली सेपरेट होके बना रहे हैं ए प्लस सी, मीन्स यहां पर हम इनको, क्योंकि ये कैटायन एंड एनायन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये सी ए एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया और वो ए और सी में डिवाइड हो गया, ओके। इस तरह से आयन्स को सेपरेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से ही हो सकता है, ओके। कुछ और बातें मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ही काम करेंगे, मतलब इसमें इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से दिया गया है, मतलब ये सारा काम अपने आप नहीं होने वाला, तो ये जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ओके, ध्यान देना नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जो अपने आप ना हो, या इन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़े, फॉर एग्जांपल यहां हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शंस थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। और जब भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हम इसमें आगे पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअल में, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम बात करें तो इसकी हमें दो एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और नेक्स्ट पढ़ना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ओके। दो एस्पेक्ट्स पढ़नी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब हम बात करें कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, तो मेनली हम इसमें बात करेंगे कि हु विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। आपको कैथोड एनोड तो दे दिए गए, सॉल्यूशन भी दे दिया गया, लेकिन कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा, तो कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है कौन रिड्यूस होने वाला है, हम इसकी बात करेंगे। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ मच, यानी अमाउंट की, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम क्वांटिटी की बात करने वाले हैं। तो क्वांटिटी किस किस टर्म में हम बात करेंगे, तो मैं इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। हम यहां पर बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड टाइम। बात सुनना फिर से, अगर सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है मुझे तो मैं वेट की टर्म में बात करूंगा, अगर मुझे गैसियस टर्म फॉर्मेट में मिलता है तो मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, परंतु
पर्टिकुलर वेट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट आया ये भी मैं कैलकुलेट करना सीखूंगा, और उसके लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट या कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये पूरा हमारा कैलकुलेटिव पार्ट होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की, जिसमें हमें ये पता लगाना आना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ओके, इसके लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स, तो फर्स्ट फैक्टर जो है यहां पर जो काम करता है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोलाइट। आपने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है उस पर डिपेंड करेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा या किसका रिडक्शन होगा। ओके, सेकंड जो है वो है मीडियम। मीडियम मीन्स आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कौन सी स्टेट में है, क्या वो एक्वस स्टेट में है या फिर वो मोल्टन स्टेट में है। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो थिंग आती है, थर्ड फैक्टर जो मेनली इफेक्ट करता है वो है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वैसे हमने यहां बात की थी, यहां पर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया यानी इनर्ट लिया था। तो आपका इलेक्ट्रोड कैसा है, क्या आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट या फिर एक्टिव है। ओके, तो यहां ध्यान देना हम क्या बात करने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या बनने वाला, किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, किसका रिडक्शन होने वाला है, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास तीन मेन फैक्टर्स हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा फिल किया है, सेकंड मीडियम कौन सा मीडियम लिया है, उसका एक्वस मीडियम लिया है या उसका मोल्टन स्टेट लिया है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्वस में वाटर क्वांटिटी आ जाती है, जहां पर वाटर क्वांटिटी ऐड होती है वहां पर हमारे प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, जबकि मोल्टन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिंपल रिएक्शन होती है जैसी हमने यहां ऊपर की है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहां पर। अगर इलेक्ट्रोड हमने इनर्ट लिया तब तो कोई इशू नहीं है, वो रिएक्शन में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जो रिएक्शन सिंपली हमारी कैरी कर रही है वैसे ही करेगी। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है तो इस केस में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और आपका प्रोडक्ट चेंज कर सकता है। ओके, तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ये काफ़ी ईजी टॉपिक है लेकिन आप पूरा बहुत ध्यान से पढ़ना, कुछ भी स्किप मत करना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में। ओके, इसको समझने से पहले मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझाना चाहूंगा। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो फर्स्ट थिंग जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से समझना। सेंटर में हमेशा हम लोग यूज करते हैं मीडियम। ओके, ये सेल रिप्रेजेंटेशन इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए वो डायग्राम बनाने के तो देने वाला है नहीं एक्सटर्नल हमें, तो वो किसी ना किसी शॉर्टकट मेथड से देगा, तो वो आपको इस तरह से सेल रिप्रेजेंट करके दे सकता है। तो सेंटर में हमेशा मीडियम लिखते हैं, देन हम लिखते हैं कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देन हम बात करते हैं उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है और वो किस टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा यहां मेंशन किया जाता है एनोड, आपने एनोड किसका लिया, इनर्ट लिया या एक्टिव लिया है, तो ये आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आपको यहां मेंशन करना होगा कि जो एनोड है आपने लिया है उस पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ओके, राइट हैंड साइड में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, पहले यहां कैथोड का प्रोडक्ट आएगा, कैथोड प्रोडक्ट। ओके, और फिर लिखा जाएगा यहां पर कैथोड कि आपने कैथोड किसका लिया, इनर्ट लिया या एक्टिव लिया है। ओके,
तो काफी इजी रिप्रेजेंटेशन है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको नीचे एग्जांपल दे देता हूँ। इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना। ओके, सबसे पहले सपोज कि आपको जो मीडियम दिया गया है वो मोल्टन गिवन है, और जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है वो आपको NaCl दिया है। ओके, तो मीडियम मेरे पास हो गया मोल्टन, और मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हुआ दैट इज NaCl। और नेक्स्ट मेरे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोल्टन स्टेट है 100% होगी, 100% होगी, तो वन तो सी मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और टेम्परेचर किसी, ये कोई नॉर्मल टेम्परेचर तो होने वाला नहीं है, तो ये होगा वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में सपोज कि मुझे यहां पर इनर्ट दिया है तो मैं प्लेटिनम ले सकता हूं, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूं तो मुझे एनोड पर यहां पर Cl2 गैस मिलेगी। ओके, और कैथोड पर जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वहां पर सोडियम मेटल मिलेगी, और ये भी मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड लूंगा यानी प्लेटिनम का लूंगा। ओके, काफी इजी रिप्रेजेंटेशन है, एक बार फिर से देखते हैं। मुझे मोल्टन NaCl वेरी हाई टेम्परेचर पर गिवन है, और उसके लेफ्ट साइड में मैंने लिखा कि प्लेटिनम का है मुझे इलेक्ट्रोड गिवन है, और वहां पर मेरा प्रोडक्ट क्या बना Cl2, और कैथोड पर मेरा प्रोडक्ट बना सोडियम, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड गिवन है प्लेटिनम का। तो काफी इजीली ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब इससे आगे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बात करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं, इससे कई बार क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके लिए सबसे पहले आपको माइंड में आनी चाहिए इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ओके, माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। अगर आपको याद होगा तो हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे तब हमने SHE एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, और इसके रिस्पेक्ट में हमने दूसरे इलेक्ट्रोड्स के काफी सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे। ओके, तो इस तरह से ये एक सीरीज बनाई गई थी, ये सीरीज हमें हेल्प करेगी जो हमें इंडिकेट करेगी कि किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और किसका रिडक्शन होने वाला है। तो इसमें मेनली हम सबसे पहले दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सपोज मैं बात करूं कैथोड की, ओके, तो कैथोड पर हम हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करेंगे, आप चाहें तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली यहाँ रिडक्शन की टर्म में ही बात करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। ओके, पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको मैं शॉर्ट में SRP लिखूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा हमेशा उसी का रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखना। ओके, कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका ही रिडक्शन होगा, ये काफी इजीली आपको समझ आ जाएंगे, आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड पर, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होने वाला है, इसका मतलब जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी उसी का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। ओके, तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कब होगा, जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू काफी लो होगी। ओके, तो
अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो सारे तो हम लर्न नहीं कर सकते, बुक में टेबल गिवन है, आप आराम से इजीली देख सकते हैं और इजीली समझ भी आ जाएगी आपको। लेकिन यहाँ पर अप्रोक्स 25 मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनकी वैल्यूज़ नहीं बताऊंगा लेकिन मैं सिक्वेंस बताऊंगा ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए जा सकें। ओके, तो इस सिक्वेंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे बात करने वाला हूँ यहाँ पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसके भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की टर्म में बात करूंगा। मैं सबसे पहले मैं लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली मैटर लिखूंगा और उसके बाद मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे से आगे लिखता चला जाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट जो यहाँ पर आती है वो है Li+, लिथियम प्लस। ओके, अगर इसको मैं लिखूं तो ये हमेशा रिडक्शन करना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम बना रहा होगा, ऐसा मैं आगे सबके लिए आपको एज्यूम करना है। ओके, मैं सबके लिए नहीं लिखने वाला, सब में इक्वेशन यही चलने वाली है। ओके, खुद ही सोचो यार, ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन वैसे भी गेन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा जब इसका डुप्लेट पूरा है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए इसकी इस वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे लोवेस्ट होगी। ओके, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, Li+ की। इससे जो ऊपर वैल्यू आती है वो होगी पोटेशियम K+, जो थर्ड आएगा वो मेरे पास होगा Ca2+, जो फोर्थ होगा वो होगा Na+, फिफ्थ होगा Mg2+, सिक्स्थ जो होने वाला है दैट इज Al3+, सेवन्थ जो है वो मेरे पास होगा वाटर। मैं सेवन्थ पे एक स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर ही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इन सभी मेटल्स के साथ हम यहाँ पर वाटर को ले रहे हैं, सबसे पहली चीज। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक जो है वो एक्टिव मेटल्स है और ये आपका ट्राइवेलेंसी शो करने वाली एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब हम बात करें वाटर। ये जो वाटर है ये मैं दो जगह लिखूंगा इस सीरीज में, पूरी सीरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जहां पर मैंने वाटर लिखा है यहां पर, ये रिडक्शन के लिए काम आता है। ओके, अगर इधर से इस सीरीज में कभी भी वाटर काम आएगा तो ये वाटर हमेशा किसके लिए काम आएगा, रिडक्शन। आप इसको एज इट इज लर्न कर लेना, रिडक्शन। इसको मैं रिएक्शन के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, रिएक्शन को समझना। सपोज मेरे पास H2O है और मुझे इसका रिडक्शन करना है, तो ये हमेशा H2 बनाएगा। ओके, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से समझते हैं। यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन ये रिडक्शन क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन हाइड्रोजन दो है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे इसको। ओके, तो अगर ये H2O2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये H2 रिलीज करता है, लेकिन ये अनबैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी OH- भी तो रिमेनिंग है, तो ये 2OH- एंड 2H2O, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, तो इसको अच्छे से समझना आप लोग, रिपीट कर रहा हूँ, जब भी वाटर रिडक्शन के लिए काम आएगा तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ये याद हो जानी चाहिए। H2 यहाँ पर रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट रिलीज करेगा और OH- आयंस रिलीज होंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 पे क्या आने वाला है, नंबर 8 पे आएगा आपका Zn2+, नंबर 9 जो होगा इस पे आएगा Cr3+, नंबर 10 जो है यहाँ पर होगा Fe2+, नंबर 11 जो है यहाँ पर होगा Co2+ कोबाल्ट। ओके, दैट इज कोबाल्ट। नेक्स्ट नंबर 12 जो है यहाँ पर होगा Ni2+, नंबर 13 पर होगा Sn2+, नंबर 14 जो है यहाँ पर आएगा
Pb2+ एंड नंबर 15 यहां पर आएगा H+। अगेन मैं नंबर 15 पे स्टार मार्क कर रहा हूं। क्या ये H+ है? H+ है, मींस ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। यहां पर ये H+ जो है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हमने काम में लिया था, और हम सब जानते हैं इसके लिए E0 की वैल्यू 0.00 वोल्ट हमने कंसीडर की थी। ओके, और हम किस ऑर्डर में चल रहे हैं? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। इसका मतलब कि इससे नीचे वाली जो भी वैल्यूज थी इन सब की E0 वैल्यू नेगेटिव होगी। इन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो जीरो से लेस होगा, मींस नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके, अब H+ की आगे बात करते हैं। अब हम बात करें नंबर 16 से। नंबर 16 पे आएगा Cu2+। नंबर 17 जो होगा इस पे आएगा I-। नंबर 18 पे आएगा OH-। नंबर 19 जो है इस पे आएगा Ag+। नेक्स्ट नंबर 20 जो होगा इस पे आएगा NO3-। नंबर 21 जो होगा दैट इज Br-। नंबर 22 जो होगा दैट इज H2O। अगेन फिर से मैं यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप अच्छे से रट लेना। यहाँ पर आया है फिर से H2O, और ये H2O जब भी काम में लिया जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन के लिए काम में आएगा। ओके, किसके लिए काम में आएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगेन इसकी रिएक्शन कुछ और होगी। यहाँ पर इसको समझते हैं रिएक्शन क्या होने वाली है। अगेन हमने H2O लिया है और इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा O2 गैस रिलीज होगी। ओके, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट से चलते हैं। H2O में ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, O2 में 0, -2 से 0 इंक्रीज हुई है, मिस ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होने वाले हैं। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स इट विल लूज, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसको बैलेंस करना है मुझे, इस वजह से यहाँ पर 4H+ होगा। ओके, तो ये बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। दोनों रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न कर लेनी। ये थी रिडक्शन के लिए, ये है ऑक्सीडेशन के लिए। जब भी रिडक्शन होगा वाटर का तो हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट बनेगा, और जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 23 पे आएगा Cl-। 24 पे आएगा SO4-2-। एंड लास्ट 25 पे आएगा Fl-। ओके, ये जो वैल्यू होगी ये हाईएस्ट रहने वाली है। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इस टेबल को समझा है। ये आपको लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट ये तो लर्न होने ही चाहिए। ये बहुत ही यूजफुल है आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपको ये नहीं आते तो कभी भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो सकते। ओके, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको सारी सिचुएशन क्लियर होनी ही चाहिए। हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जब भी किसी मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट क्या होने वाला है? प्रोडक्ट इसकी केमिकल सीरीज से हम फाइंड आउट करेंगे। कैथोड पर अगर SRP की वैल्यू हाई होगी तो उसी का रिडक्शन होगा, और जिसकी वैल्यू लो होगी उसका एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फैक्टर्स मैंने बता दिए। ये इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा, ये मीडियम एक्वस या मोल्टन उस पर डिपेंड करेगा, और थर्ड ये इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा कि वो इनर्ट है या एक्टिव है। ओके, अब बात करते हैं आगे। मैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ दैट इज Na2SO4। इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड गिवन है, और हमें बताना है कैथोड एंड एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है। ओके,
क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज कैरिड आउट। ओके, तो सिंपल है काफी। इसको हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर लो। इधर हमने मेंशन कर लिया एनोड और यहां पर मेंशन किया कैथोड। ठीक है, साथ में मेंशन ये भी करो कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है जिस पे आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है जिस पे रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, ये मेंशन करने से हमें ध्यान रहेगा कि हमें इस सीरीज में देखना किसे है। ओके, अब एनोड कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और Na2SO4, तो आयन्स कौन कौन से हुए? Na+ एंड SO4 2-। तो पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से एनायन, एनायन कौन कौन है मेरे पास? सबसे पहले मुझे ये लिखना है। तो क्या मेरे पास यहाँ पे SO4 2- है? ओके, और एक्वस है। अगर हमें एक्वस गिवन है तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर H2O ले लेना है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, प्लेटिनम है इलेक्ट्रोड, तो ये तो इनर्ट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं SO4 2- की। SO4 2- एनोड पर आएगा और साथ ही वाटर भी लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सीरीज के अंदर SO4 2- आ रहा है नंबर 24 पर, तो इसके नीचे आप नंबर मार्क कर दो 24। ओके, और H2O, अब ध्यान देना एनोड पर क्या होने वाला? ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास दो H2O के ऑप्शन है, लेकिन हम किस पे जाएंगे? जिस पे ऑक्सीडेशन है। मीन्स यहां पर मुझे क्या नंबर लेना है? 22 नंबर। ओके, अब इन दोनों में से एनोड पर हमेशा SRP की वैल्यू लो होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसकी वैल्यू 24 पे आ रही है, उसकी 22। तो लो कौन है? लो यहां पर वाटर है। इसका मतलब वाटर का यहां पर क्या होने वाला है? वाटर का यहां पर ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन एज इट इज लिख दो, 2H2O जो O2 बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H+। बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब एनोड पर प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन गैस। काफी इजी है। ओके, फिर से बता रहा हूं, एनोड प्लस चार्ज होने की वजह से SO4 2- उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एक्वा सॉल्यूशन है तो हमें H2O लेना है। टेबल से हमने दोनों के नंबर असाइन किए, और एनोड पर जिसकी वैल्यू लो होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ। सिंपल, और प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली कैथोड, कैथोड अगेन नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ, तो इसका मतलब यहां पर आपका कैटायन अटैक करेगा, Na+। ओके, साथ में एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर तो है ही। अब यहां पर वाटर कौन सा देखना है हमें? रिडक्शन वाला। कितना नंबर है वाटर के लिए? 7। Na+ के लिए नंबर कितना है? 4। ओके, हम कैथोड पर हैं, कैथोड पर SRP की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो 4 और 7 में से हाई वैल्यू किसकी है यहां पर? हाई वैल्यू हमारे लिए वाटर की है। इट मीन्स यहां पर वाटर ही रिड्यूस होगा। तो मैं रिएक्शन रिडक्शन वाली एज इट इज लिखूंगा यहां पर, 2H2O, और ये बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा H2+2OH-। ओके, मीन्स कैथोड पर प्रोडक्ट क्या हुआ? कैथोड पर प्रोडक्ट हुआ हाइड्रोजन गैस। काफी सिंपल है, बहुत सिंपल वे में समझ आया। मैं अलग अलग तरह के आपको 3-4 एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल हमें बोल रहा है, सपोज CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। ओके, और यहां पर भी हमें कैथोड और एनोड पर क्या फाइंड करने हैं? प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। सिंपल, अगेन मैं यहां पर क्या मेंशन करूंगा? एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इस पे मेरा रिडक्शन होने वाला है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले कौन है? अगेन SO4 2- है,
एन एच टू ओ है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है. ओके, बार बार लिखना पड़े तो लिखना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी. दोनों के नंबर टेबल से हमने लिख लिए, तो यहाँ पर सिंपल कौन जाने वाला है, जिसकी वैल्यू लो होने वाली है. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वाटर का और ये बनाएगा ओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन प्लस फोर एच प्लस. मीन्स एनोड, एनोड पर यहाँ पर प्रोडक्ट किसका बना, ऑक्सीजन गैस. ओके, अब बात करते हैं कैथोड. कैथोड पर जाने वाले कौन, एक तो है मेरे पास सी यू टू प्लस और दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन होने की वजह से वाटर. वाटर का तो नंबर मुझे पता ही है 7. सी यू टू प्लस मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो सी यू टू प्लस में अगर यहाँ पर देखूँ तो नंबर 16 पे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ओके, तो इसके लिए मेरा नंबर हो गया नंबर 16. कैथोड पर उसका रिडक्शन होता है जिसकी वैल्यू हाई होती है. तो यहाँ पर रिडक्शन किसका होने वाला है, कॉपर का. तो कॉपर का रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली है. तो यहाँ पर सी यू टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सी यू मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर. तो प्रोडक्ट चेंज हो गया. देखो यहाँ पर सोडियम मेटल था और वाटर था, तो उसमें से हमारे पास प्रोडक्ट बनी हाइड्रोजन गैस, यानी वाटर का रिडक्शन हुआ. लेकिन यहाँ पर रिडक्शन वाटर के कंपैरिजन में किसका हुआ, कॉपर का. ठीक है, तो यही प्रोडक्ट आपको देखने आने चाहिए. ओके, ये तो था तब जब हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया, इनर्ट प्लेटिनम. दोनों ही केसेस में हमने सिंपल रिएक्शन लिया, यानी दोनों ही केसेस में हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड लिया है. लेकिन हम नेक्स्ट केस जो लेंगे उसमें हम यही एग्जाम्पल लेंगे लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड चेंज कर देंगे, फिर हम बात करते हैं क्या होता है. ओके, तो नेक्स्ट आई थिंक सीरीज आपको विजिबल हो जाएगी इस तरह से. ओके, यस. तो नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल जो आपको यहां पर गिवन हो रहा है, दैट इज CuSO4. अगेन एक्वस सॉल्यूशन सेम है लेकिन अब इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं लिया हमने, अब हम यहां पर कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले रहे हैं. तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कैथोड और एनोड के, तो वो कैसे करें. ओके, तो इसको समझने की कोशिश करना. फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखना है एनोड पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन सेपरेट करना है, कैथोड नेगेटिव रिडक्शन. ओके, अब एनोड पर जाने वाला कौन, सोचना ही नहीं है. एसओ फोर टू माइनस. सेकेंड कौन, एक्वस सॉल्यूशन है तो एच टू ओ. ओके, तो एसओ फोर टू माइनस एंड एच टू ओ तो आ गया, लेकिन यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो एक्टिव है, तो आपको यहां पर कॉपर भी मेंशन करना पड़ेगा. ओके, अब हमें यहां पर तीनों की वैल्यूज पुट अप करनी है. एसओ फोर टू माइनस के लिए 24 वैल्यू मेरे पास है. ओके, एच टू ओ मुझे यहां पर लेना है लेकिन मुझे लेना है रेड ऑक्सीडेशन के लिए, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 22. ओके, एंड कॉपर, कॉपर के लिए वैल्यू है 16, तो मैं यहां पर पुट अप करूंगा 16. ऑक्सीडेशन एनोड पर उसका होगा जिसकी वैल्यू कम होगी. ओके, तो इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन होने वाला है कॉपर का, तो रिएक्शन हो जाएगी Cu जो कन्वर्ट होगा Cu2+ एंड दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, Cu2+. ठीक है, बहुत केयरफुली इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथोड पर क्या होने वाला है. तो कैथोड पर जाने वाले कौन कौन है, सबसे पहले तो Cu2+ जाने वाला है, तो Cu2+. देन एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो कॉपर तो है ही फिर साथ में, तो ये दोनों कॉपर सेम नंबर पे आने वाले हैं, तो हम इनमें कंपटीशन नहीं करेंगे, दोनों के नंबर्स मेंशन कर देते हैं 16 एंड 16. और वाटर क्या यहाँ पर रिडक्शन वाटर काम आएगा, मीन्स ये नंबर हो गया आपका 7 जो यहाँ पर
प्रेजेंट है। ओके, तो कैथोड पर रिडक्शन के लिए वो सेलेक्ट किया जाएगा जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, मिस हम कॉपर को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर Cu2+ की रिडक्शन होने वाला, तो जो सॉल्यूशन में Cu2+ प्रेजेंट है रिडक्शन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और वो Cu मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कॉपर मेटल जो डिपॉजिट होती जाएगी। ओके, तो ध्यान से अगर आप इस रिएक्शन को एनालाइज करें तो ये रिएक्शन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, और आपने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तब आपको प्रिंसिपल नहीं ध्यान होगा कि क्यों हो रहा है, लेकिन आज हमें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका, कि इसमें हमने कंटेनर लिया करते थे, ये रिफाइनिंग में काम आता था, मेटलर्जी में आगे भी काम आएगा 12th में। इसमें इम्प्योर मेटल का जो इलेक्ट्रोड होता था वो थिक होता था, जो प्योर मेटल का होता था वो थिन होता था, और उसमें सेम मेटल का ही सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फिल किया जाता था। ओके, और इसको हम कनेक्ट कर देते थे एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ओके, ध्यान आया कुछ? सपोज यही एग्जांपल लूं तो ये कॉपर इम्प्योर कॉपर है और ये हमारे पास प्योर कॉपर है, और जो सॉल्यूशन लिया है वो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज कैथोड। ओके, इन दैट केस जो कॉपर है जो एनोड पर है वो Cu2+ में कन्वर्ट होगा और Cu2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन से Cu2+ जो होगा वो डिपॉजिट होता चला जाएगा आपका कैथोड के ऊपर। तो Cu डिपॉजिट होता चला जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा कैथोड पर, धीरे धीरे ये थिक होती जाएगी और ये थिन होती जाएगी, और नीचे आपका एनोड मड आपको मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज एनोड मड की फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, तो वो रिएक्शन आपको आज इजीली समझ आ गई होगी कि रिफाइनिंग प्रोसेस में हम किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को काम में ले सकते हैं। ओके, अब इससे आगे मैं आपको दो और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एग्जांपल नंबर 4 काफ़ी इजी है। NaCl का मोलर स्टेट में तो हम बहुत इजीली ले लेते हैं, जिसमें एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पर सोडियम मेटल मिलती है, लेकिन मैं आपको NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल में, जिसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और ये ध्यान रखना ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना, ये सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसके दो केसेस देखने वाले हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट अगेन एनोड पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन होने वाला है। ओके, अब एनोड पर जाने वाला कौन? यहाँ पर एनोड पर जाने वाला है Cl माइनस एक्वस है तो H2O, और ये तो प्लेटिनम है, मैस इनर्ट है, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ लिखने की। दोनों के पोटेंशियल वैल्यूज देखें, Cl माइनस की वैल्यू यहाँ पर 23 आ रही है और वाटर के लिए 22, द वैल्यू इज 23 एंड 22। तो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर मेरा H2O आगे जाएगा। ओके, ध्यान रखना ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, और ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इन चीज़ों पर जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर H2 हो जाएगा, H2O की रिएक्शन हमें एज इट इज लिखनी है, जो हम इतनी देर से लिखते आ रहे हैं और बार बार लिखनी है ताकि हमें लर्न ही हो जाए। O2 रिलीज करेगा, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड 4H+ रहेगा, मिस यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास? अगेन O2 गैस, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन और H2O में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ही लीड कर रही है लोअर वैल्यू की वजह से। ठीक है, अब हम बात करें कैथोड पर। ओके, कैथोड पर बात करें तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर क्या होने वाला है? रिडक्शन। तो इन दैट केस जाने वाला कौन कौन है? एक तो मेरे पास Na+ है और साथ में है
वाटर. Na प्लस के लिए वैल्यू मेरे पास क्या है, 4. ओके, एंड H2O के लिए वैल्यू क्या हो गई, 7, क्योंकि मुझे रिडक्शन के लिए देखना है. ओके, तो इन दैट केस 4 और 7 में से जो हायर वैल्यू होगी वो जाएगा, तो हायर वैल्यू मेरे पास H2O की है, तो यहाँ पर H2O जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एंड 2H माइनस रिलीज करेगा. ओके, तो यहाँ पर कैथोड पर जो प्रोडक्ट बना वो कौन सी गैस बनी है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस. काफी सिंपल है. ओके, ये है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. नेक्स्ट, लेकिन ब्राइन सॉल्यूशन में जब आपने पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा हुआ होगा तब तो आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं आती, यहाँ पर क्लोरीन गैस आती है. तो आज हमने ऑक्सीजन गैस क्यों लिखी, तो ये आपको समझने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना होगा. ओके, नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, यानी वही ब्राइन सॉल्यूशन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी प्लेटिनम के साथ, लेकिन ये है कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, ध्यान देना, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की. ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान देना, ये एक एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सभी को पता है. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना बहुत ही केयरफुली. टू पार्ट में हम डिवाइड करें, एनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन. ओके, साथ में मैं यहां पर लूं कैथोड नेगेटिव रिडक्शन. ओके, तो इसको बहुत काम होके सुनना और समझना. यहां पर मेरे पास एनोड पर जाने वाला है Cl माइनस एंड एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए H2O. दोनों की वैल्यूज मेरे पास है ही 23 और H2O के लिए 22. जाना कौन चाहिए, H2O जाना चाहिए, 100% H2O जाना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर H2O ऑक्सीडेशन के लिए नहीं जाता, यहाँ पर क्लोरीन क्लोराइड आयन जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों, इसके दो रीजन दे रहा हूं मैं आप लोगों को. ओके, दोनों रीजन बहुत अच्छे से समझना आप लोग. ठीक है, फर्स्ट मेरे पास जाने के लिए कौन है, Cl माइनस. ओके, अगर ये Cl माइनस जाता है तो ये कन्वर्ट होगा क्लोरीन गैस में, और मेरे पास एक और है वाटर, अगर वाटर जाता है तो ये कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन गैस में. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि क्या आपने सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड लिया है. ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना कि यहां पर क्लोरीन के क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है. सेकेंड थिंग, ऑक्सीजन बनना एक टफ टास्क है, काफी हार्ड टास्क होता है. ठीक है, तो यहां पर दो रीजन दे रहा हूं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वेरी हार्ड टास्क, ये मेरे पास फर्स्ट रीजन है. सेकेंड है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन्स इज वेरी हाई, और हाई होने की वजह से आप देखो दोनों के नंबर्स एक 22 पर है एक 23 पर है, इट मीन्स दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं, काफी क्लोज होते हैं. इस वजह से ये दो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ फेस करनी होती, अगर काफी डिफरेंस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो यहाँ पर H2O ही जाने वाला था. लेकिन एक तो ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना काफी हार्ड टास्क है, सेकेंड क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, और थर्ड पॉइंट दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑलमोस्ट वेरी क्लोज है. तो इस वजह से यहां पर H2O का ऑक्सीडेशन ना होकर के क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है. ओके, Cl माइनस क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ओके, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीन गैस बनेगी. कैथोड पर क्या होने वाला है, कैथोड पर अगेन यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, Na प्लस है, वाटर है हमारे पास, नंबर 4 नंबर 7 ऑब्वियसली बात है H2O जाना है, तो 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, H2 प्लस 2OH माइनस. तो यहां पर जो प्रोडक्ट है
वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो काफी सिंपल था। मैं एक बार फिर से इस केस को आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, आप इसको बहुत केयरफुली ध्यान में रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। अगर मेरे पास ब्राइन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो यहाँ पर जो केस बनता है वो बनता है ओवर पोटेंशियल का। किसका? ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का बनना एक टफ टास्क हो जाए तो उस वक्त जो H2O के ऑक्सीडेशन के लिए पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको उससे ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत प्रैक्टिकली पड़ती है। थ्योरिटिकली जो तो ये 22 नंबर पे आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए इसको थोड़े ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इस क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन ना होकर के ज्यादा थ्योरेटिकल वैल्यू होने के बावजूद भी क्लोराइड का ही ऑक्सीडेशन होता है और ये होता है ओवर पोटेंशियल। ओके, तो ये सारा आज हमने बात की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थैंक यू।